तो वहीं 20 जुलाई को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी से देवशयन काल शुरू होने जा रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु 118 दिनों तक योग निंद्रा में रहेंगे, जिसके चलते विवाह आदि मंगल कार्यों पर विराम लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु 4 माह तक विश्राम करते हैं। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक के मुताबिक बीते वर्ष देवशयन काल 148 दिनों का था, जो इस वर्ष 118 दिनों का है। भगवान विष्णु 118 दिनों तक योग निंद्रा में रहेंगे। इस दौरान विवाह आदि मंगल कार्यों पर विराम लगेगा और शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। साधु संतों का चातुर्मास प्रारंभ होगा। इस वर्ष श्रावण भी 29 दिनों का रहेगा। 20 जुलाई देवशयनी आषाढ़ी एकादशी से भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 118 दिनों तक योग निद्रा में रहेंगे। 118 दिनों तक योग निद्रा में भगवान रहेंगे। चातुर्मास प्रारंभ होगा। पिछले वर्ष देवशयन काल 148 दिनों का था, इस वर्ष 118 दिनों का देवशयन काल है। 15 नवंबर तक देवशयन काल रहेगा। 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु का जागरण होगा। देवशयन काल में विवाह आदि मंगल कार्यों पर विराम लगेगा, शुभ कार्य नहीं होंगे, धार्मिक अनुष्ठान अवश्य हो सकेंगे। 15 नवंबर से पुनः शहनाइयाँ गूंजेगी। 118 दिनों तक प्रजा के पालक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करेंगे। वहीं देवाधिदेव महादेव हैं, उनके ऊपर प्रजा पालन का भार रहेगा। साधु संतों का चातुर्मास प्रारंभ होगा। चातुर्मास में श्रावण का विशेष महत्व है। इस वर्ष श्रावण भी 29 दिनों का है। 25 जुलाई रविवार से श्रावण मास प्रारंभ होगा, जो 22 जुलाई रविवार को रक्षाबंधन के साथ समाप्त होगा। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार हैं। पहला 26 जुलाई को, दूसरा 1 अगस्त को, तीसरा 9 अगस्त को और चौथा श्रावण सोमवार 16 अगस्त को रहेगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ भगवान शिव देवाधिदेव महादेव के सावन का जो है समापन होगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक के मुताबिक देवशयन काल में चातुर्मास प्रमुख होता है। चातुर्मास आत्म शुद्धि का पर्व है। उन्होंने देवशयन काल में वज्र यात्रा का विशेष महत्व भी बताया। 118 दिनों का ये जो देवशयन काल है, इसमें चातुर्मास जो है प्रमुख होता है। चातुर्मास आत्म शुद्धि का पर्व है। सनातनी, जैन व बौद्ध धर्मावलंबी 4 मास तक जो है इनके संत महात्मा एक स्थान पर ठहर कर जब अनुष्ठान, कथा, भागवत पुराण आदि जो है से जनता को आप्लावित करेंगे। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार देवशयन काल में सूर्य व चंद्रमा का तेज जो है पृथ्वी पर बराबर नहीं पहुंच पाता, इसलिए मंगल कार्यों पर जो है विराम लगता है। उसका कारण है ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में सूर्य और चंद्रमा का तेज भूमंडल पर पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता है, इसलिए ही जो है ये चातुर्मास में संत एक स्थान पर बैठकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। चातुर्मास में अनेक जीव जंतुओं के कारण नानाविध रोग जो है वो भी उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास में विभिन्न प्रकार के ज्वर हैं, बीमारियां से जनता जो है त्रस्त होती है। चातुर्मास में साधु संत महात्मा एक स्थान पर ठहर कर तपस्या, साधना, स्वाध्याय व प्रवचनों से धर्मालुजनों को धर्म लाभ पहुंचाते हैं। देव शयन काल में विशेषकर ब्रज यात्रा, जो ब्रज की यात्रा है, उसका विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास में भूमंडल के समस्त तीर्थ व्रज में आकर निवास करते हैं, इसलिए चातुर्मास में ब्रज यात्रा को
विशेष महत्व दिया गया। पंडित वैदिक के अनुसार इस वर्ष नवंबर माह कुछ विशेष नजर आ रहा है। इस माह में तीन एकादशी का योग सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति तिथि के घटबट के कारण होती है। देव शयन के बाद 19 नवंबर से विवाह आदि मंगल शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। अभी वर्तमान में 16 जुलाई तक शुभ कार्यों के मुहूर्त हैं। इस वर्ष नवंबर माह कुछ विशेष दिखाई देता है, क्योंकि नवंबर मास में तीन एकादशी जो है का योग संयोग प्राप्त हो रहा है। सामान्यतः वर्ष में 24 एकादशियां आती है, उसमें दो एकादशी का विशेष महत्व होता है। एक तो देवोत्थान एकादशी है, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठक गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठक कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम करु। त्रैलोक्य ने तीनों लोकों का मंगल करने के लिए भगवान विष्णु का अर्थात प्रजा के पालक का जो है इस दिन जागरण होता है। वहीं आषाढ़ी देव शयनी एकादशी पर जो है भगवान विष्णु जो है वो शयन करते हैं, चार मास के लिए विश्राम करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। और ऐसी स्थिति में देवादिदेव महादेव जो है प्रजा का पालन करते हैं। भगवान शिव महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वंग रो परम। दुनिया में शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और शिव का जो महामंत्र है चातुर्मास में इसका भी जप होता है, ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र है। चातुर्मास के अंदर भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का जो है विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु प्रजा के पालक हैं। वहीं देवादिदेव महादेव जो है उनका इस चातुर्मास के अंदर जागरण होता है। तो चर्चा थी देवशयनी और देवोत्थान एकादशी के साथ ही ये नवंबर माह में तीन एकादशियों का संयोग प्राप्त हो रहा है। सामान्यतः एक माह में दो एकादशी आती है, किंतु नवंबर माह में जो है तीन एकादशी का योग संयोग अनेक वर्षों के बाद प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति तिथियों के घटबढ़ के कारण होती है। पहली एकादशी 1 नवंबर को रमा एकादशी का संयोग प्राप्त होगा, वहीं 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी और वहीं 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी। इस प्रकार नवंबर का महीना देश और दुनिया के लिए तीन एकादशी लेकर आ रहा। देखा जाए तो 118 दिन के देवशयन काल में भगवान विष्णु विश्राम करेंगे, वहीं देवशयन काल में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।